सऊदी अरबिया में आप काम करते हो तो कौन सा रूल्स को फॉलो करें, नहीं तो आगे से आपको हो और बहुत सकता सारे है भाई जेल, नए नहीं आने तो वाले मौत हैं, की और सज़ा। बहुत सारे भाई नए आए होंगे, तो यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता होगा। तो हम आप सबको जो नया नहीं है यहाँ के सऊदी एक्सपात्रा का अखबार से हम आपको दिखाते हैं, यानी सऊदी अरब में जो है प्रवासी के लिए काम करना और रहना कैसा है। तो पहला जो ना, यानी अपने परियोजक को छोड़कर किसी के साथ काम ना करें, यहाँ तक कि अपने नियोक्त के ज्ञान के साथ भी यह सऊदी अरब में अवैध है, और उल्लंघन को निरोध और निर्वास के साथ दंडित किया जाएगा। समझ रहे हैं, यानी अदर प्लेसमेंट काम ना करें, जहाँ पे आए हो काम वहीं पे करें। और जैसे कि पार्ट टाइम वगैरह जो करते हैं तो पकड़े जाओगे तो फिर दिक्कत होगा, जेल भी हो सकता है और घर भी भेज सकते हैं। और दूसरा में जो है, यानी काम पर हड़ताल ना करें, यूनियन या संघों का गठन ना करें। सऊदी अरब में ये गतिविधि अवैध है, इसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी, कारावास और निर्वास हो सकता होगा। यानी इसमें जो है, यानी जैसे यूनियन या हड़ताल वगैरह करते हैं तो, और गठित होते हैं जैसे कि कंपनी वगैरह में, तो फिर इससे जो है क्या होता है, यानी आपके ऊपर, यानी आपको जेल भी हो सकता है, घर भी भेजा जा सकता है, और दूसरा भी कुछ हो सकता है। और तीसरा में जो है, इसमें लिखे व्हाट्सएप को जानकर किसी भी दस्तावेज या ब्लैक पेपर पर हस्ताक्षर ना करें। यानी कोई दस्तावेज होगा, कोई बंदे बोलेंगे इस पे सिग्नेचर कर दे, ये आपको नॉलेज नहीं है, आप तो नहीं जानते हो, तो उस पर सिग्नेचर कत्ते नहीं करना। सादा पेपर हो या कुछ भी हो, उस पे जो है सिग्नेचर कत्ते नहीं करना, क्योंकि क्या पता इसमें क्या लिखा है। तो जब तक ना मालूम हो तब तक कोई भी हस्ताक्षर ना करे, सबसे अच्छा। और चौथा में जो है, अपना पासपोर्ट या काम भी किसी को ना दे या कहीं भी छोड़ दे, कोई आपकी जानकारी के बिना आपकी पहचान का दुरुपयोग कर सकता है। तो अपना दस्तावेज जो है ना, यानी सऊदी अरब में रहते तो किसी को भी ना दे, पासपोर्ट का कॉपी भी, कोई सभी जो ना अपना प्रूफ जो ना अदर बंदे को ना दे, ये जो ना कोई दुरुपयोग काम के लिए जो ना कर सकता है। तो और पांचवा का जो ना हम बता रहे हैं, पांचवा नियम क्या है, तो पांचवा नियम जो ये है, जो सऊदी अरब में जो शराब पूरी तरह से प्रतिबंध है, इसीलिए जो ना इसका सेवन ना करें और ना ही करें। यानी कहने का मतलब ये ना, हम यानी शराब वगैरह यहाँ पे जो ना गैर कानूनी है तो नहीं पिए, और ना कोई पी रहा शराब वगैरह, तो उससे दूरी बनाए रखें, यही कहेंगे। और छठा में जो ना, नशीली दवाओं की खपत या पेंडलिंग में शामिल ना हो, इस पर दंड, जेल और मौत सहित गंभीर है। जैसे कि यानी नशीली, जैसे कि ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब सबसे ज्यादा दूर ही रहना का। यहाँ पे जो ना कोई जो है पीते हैं या कोई करते हैं, उसके आजू बाजू भी नहीं जाना, जाओगे फिर पकड़े गए तो फिर आपको जो है मौत का भी सजा हो सकता है और जेल भी हो सकता है। ओके, इतना यानी। और सातवां जो है, कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी चित्र या पोस्ट को शेयर या लाइक न करें जो धार्मिक या सामाजिक संवेदनाओं के लिए अपमानजनक, राजनीतिक या प्रणाली के आलोचना आदि के स्वरूप में माना जा सकता है। तो जैसे कि धार्मिक रिलीजन वायलेशन हो, यानी किसी भी धर्म को उल्टा सीधा बता रहे हैं, या यानी यहाँ के गवर्नमेंट के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो उन सब पे जो है ना, ऐसा वीडियो या तस्वीर पे जो है लाइक कमेंट ना करें। होगा कि उससे जितना दूर हो सके उतना रहिएगा, जितना नज़दीक तो उस, यानी सर हमारे यहाँ का कहावत है, यानी गेहूँ के साथ जो है ना, ये सूढ़ा सूढ़ा बोलते हैं वो, उसमें जो होता है ना कीड़ा, वो भी पिस जाता। तो यही है, तो कोई भी वायलेशन करता है उनसे दूर ही रहे, यानी कोई गलत काम करता है उससे दूर रहे, हम यही कहेंगे। और फोटोग्राफी एक संवेदनशील विषय है, इसीलिए जो है ना, इस शहर को सार्वजनिक स्थानों, महिला सर सरकारी भवनों, औद्योगिक क्षेत्रों, हवाई अड्डों, पुलिस
चेकिंग पॉइंट आदि की जो है ना तस्वीर या वीडियो लेने या पोस्ट करने से बचे, यह आपको गिरफ्तारी करने के लिए ले जा सकता है जेल और निर्वास। जैसे कि यहाँ का गवर्नमेंट के बारे में कोई भी जो चीज़ हो, प्लेस गाड़ी वगैरह को, यानी यहाँ का सरकार का जो ना कोई भी चीज़ हो, जैसे कि पुलिस स्टेशन, चेक पॉइंट हो वगैरह वगैरह जो भी हो, और यहाँ का महिला का जो तस्वीर वगैरह वीडियो वगैरह नहीं लेना है तो लोग, तो फिर यहाँ पे जो ना जेल हो सकता है आपको। ओके, और किसी भी यहाँ पे जो किसी को भी, किसी का भी वीडियो लेते तो उधर परमिशन ना लो, हम यही कहेंगे। और नवाब जो ना कभी भी सोशल मीडिया पर जो है ना किंगडम में काम से संबंधित शिकायत के वीडियो प्रसारित ना करें, क्योंकि यह साइबर और गोपनीयता कानून का उल्लंघन करता है, समझ रहे। तो यहाँ पे जो यानी कभी जो ना, हाँ, सोशल मीडिया पर जो ना किंगडम काम से संबंधित ही शिकायत, यानी यहाँ पे जो ना कोई भी जो दिक्कत परेशानी आ रहा है काम में या कोई लोचा वगैरह आ रहा है तो उसका शिकायत जो ना सोशल मीडिया पर ना करें। और दसवां जो है ना अपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जो है ना ओवर स्टार ना करें, जबकि अपने देश में छुट्टी पर जाने पर आपको सऊदी अरब में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है, और काम के दौरान हुरूब या अनुपस्थिति बताया जा सकता है। 11वां, यदि आपका नियोक्ता आपके रोजगार अनुभव को नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं है तो अपने घर से बाहर निकलने। और यहाँ पे जो है ना ये रूल्स ख़त्म हो जाता है तो फिर हम आपसे को जो है ना यानी चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे को जो है ना यानी एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। यानी जैसे कि आप एग्जिट वगैरह में जब जाते हो तो फिर उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो एक्सिट जाने के बाद कितने दिन में हम आ सकते हैं, इसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी हम जो ना कभी आ चुके हैं तो फिर हम आप दिखा रहे हैं आप सबको। तो जैसे कि यहाँ पे यानी सऊदी एक्सपायर जो ना एक्सिट नॉट द रिटर्न द स्टेट नो द ऑटोमेटिकली दस हो जाता है। एक्सिट नॉट द रिटर्न द स्टेट इज नॉट द ऑटोमेटिक आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द फिक्स्ड री एंट्री एक्सपायर डेट दस जो जाता है। जनरल डायरेक्शन ऑफ द पासपोर्ट जो जाता है द लॉन्च और न्यू द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एक्सिट एंड नॉट रिटर्न ऑटोमेटिकली आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ एक्सपायर डेट ऑफ द एक्सिट और एंट्री विज ऑफ एक्सपायर। यानी आप यहाँ पे जो है ना यानी सऊदी अरब में जो है ना सऊदी अरब में आप से ए यानी एक्सिट जाते हो तो यानी 2 महीने के बाद ही आप आ सकते हो। ओके, यानी 2 महीने के बाद ही आ सकते हो, जब तक